फाइनली आज नॉन वॉयलेंस के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है टाइगर वर्सेस ऋतिक की मूवी वॉर, जिसमें इंडस्ट्री के दो बड़े एक्शन हीरो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि फैंस बड़े ही बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि टाइगर और ऋतिक जैसे बड़े स्टार्स दुश्मनों से नहीं बल्कि आपस में ही महाजंग जो करने वाले थे। ऑडियंस ने ऋतिक और टाइगर की इस जोड़ी को सुपरहिट पहले ही करार दे दिया है। पहली बार ऐसा हो रहा है जब ऋतिक और टाइगर एक साथ किसी फिल्म में नजर आ रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से एक्शन अंदाज में। तीन भाषाओं में यानी हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हो चुकी वॉर का कैसा है फर्स्ट डे फर्स्ट शो, बिना देर के आपको बताते हैं इस मूवी रिव्यू में। फिल्म की कहानी शुरू होती है कर्नल रुद्र बने आशुतोष राणा की उस चिंता से जो उन्हें कभी यानी कि ऋतिक की बगावत ने दी है, और अब कबीर बने ऋतिक की इसी तबाही को रोकने के लिए असाइन किया जाता है उन्हीं के ब्रिलियंट स्टूडेंट टाइगर श्रॉफ यानी कि खालिद को, जिसके बाद शुरू होती है गुरु चेले की जोड़ी में बड़ी वॉर। लेकिन आखिर एक्स आर्मी ऑफिसर क्यों हो जाता है बागी, और कैसे कबीर और खालिद रोकते हैं बड़ी तबाही, ये सस्पेंस हम जरा बनाए रखते हैं। अगर हमने बता दिया तो फिर आपका वॉर देखने का मजा थोड़ा किरकिरा हो जाएगा। वेल, अगर बात करें टाइगर और ऋतिक के एक्शन की, तो ये दोनों स्टार्स खूब एक्शन के साथ हर एक मोमेंट पर आपको थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देंगे। वही टाइगर और ऋतिक का डांस का तड़का भी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। वॉर में ऋतिक को एक्शन मशीन्स के साथ एक्शन करते हुए देखकर ये कहने का मन करता है कि क्या ऐसा कुछ है जो ऋतिक नहीं कर सकते। अगर कहा जाए तो ऋतिक इस फिल्म की आत्मा और जान है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बाकी एक्ट्रेस वाणी कपूर अपने रोल में फिट बैठी हैं। फिल्म में ऋतिक के साथ फेस ऑफ करते टाइम टाइगर स्पेशली अपनी पकड़ बनाए रखे हैं। फिल्म शुरुआत से ही आपको धाकड़ एक्शन से बांधे रखेगी। वहीं क्लाइमेक्स की बात की जाए तो दुनिया की अलग अलग खतरनाक जगहों पे एक्शन का कॉम्बिनेशन आपके जहन में एक गहरी छाप छोड़ जाएगा। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में बाइक, कार, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में स्टंट्स नजर आएंगे। फिल्म के गानों की बात करें तो जैसे कि घुंघरू और जय जय शिव शंकर पहले ही ऑडियंस की जुबान पर चढ़ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर सिद्धार्थ आनंद ने एक दमदार और प्रॉमिसिंग एक्शन मूवी देकर फ्यूचर में आने वाली एक्शन फिल्मों के लिए एक बेंच मार्क सेट कर दिया है। यानी अगर आप हाई वोल्टेज एक्शन देखना चाहते हैं, इसके साथ ही बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, डांस और राइवलरी देखने के मूड में हैं, तो आप बेझिझक इस वीक के लिए वॉर देखने जा सकते हैं। ऋतिक वर्सेस टाइगर वाली इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। यानी कि फिल्म को हमारी तरफ से मिलते हैं 5 में से 3 स्टार।